हमीरपुर जिला में एक बार फिर से चोरों ने लगातार चार जगहों पर हाथ साफ कर लाखों रुपए की चंपत लगाई है। जानकारी के अनुसार हमीरपुर से टौनी देवी अवादेवी मंडी राजमार्ग के किनारे टौनी देवी बाजार में दुकानों में सेंधमारी करके सामान को चुराया गया है। टौनी देवी बाजार में सबसे पहले कपड़ों की दुकान से 200 महंगे सूटों के अलावा नकदी को भी चोरों ने चुराया है। वहीं तीन अन्य दुकानों के शटर के ताले तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ किया है। चोरी की घटना का पता लोगों को सुबह लगा, जिस पर पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने भी मौके पर आकर गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार टौनी देवी बाजार में कपड़े के व्यापारी तिलकराज की दुकान से 200 सूट चुराए गए हैं, तो चोरों ने छोटी दुकानों जिसमें चाय पकौड़े बनाने वाली दुकानों को भी नहीं बख्शा है। शातिर चोरों ने रात के समय की गई वारदात से इलाके में दहशत भरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से चारों दुकानों के ताले तोड़कर सामान को चुराया गया है, उससे लगता है कि चोरों का ये कोई बड़ा गिरोह इसमें शामिल है। टौनी देवी बाजार में इस तरह चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने पर लोग दहशत में हैं। लोगों ने पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है।